दिल्ली में अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को जीत की बधाई दी है। साथ ही सोसाइटी के महामंत्री राजू चंदेल ने मोदी से शिव भक्तों से अमरनाथ यात्रा के दौरान लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने की अपील की है। दरअसल देश भर से बड़ी संख्या में शिव भक्त जून में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी ने यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क को खत्म करने की मांग की है। शिव भक्त माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक शिव भक्त हैं, परम भक्त हैं शिव भोले के, और श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी से पिछले 25 वर्षों से मैं जुड़ा चला आ रहा हूं। ये 26वां वर्ष है और फ्री लंगर व्यवस्था का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि अमरनाथ जो यात्रा है उसमें शिव भक्त करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं, और परम भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ कि जो शिव भक्त जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए उस पर एक शुल्क रखा जाता है 10,000 रुपये। तो बहुत से ऐसे शिव भक्त हैं कि जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनके पास वो शुल्क देने के लिए नहीं होता। तो शिव भक्त से श्री नरेंद्र मोदी से यही अपील करूंगा कि इस वक्त वो जो 10,000 का शुल्क है उसको तुरंत हटा दिया जाए, जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा शिव भक्तों को। वहाँ जाने वाले की संख्या जो अब तक रिकॉर्ड रही है वो 8-9 लाख तक ही रही है, और उस शुल्क के हटाने से करीब करीब करोड़ों में ये संख्या पहुंच जाएगी शिव भक्तों की, जो कि हमारा एक सर्वे बताता है और हम लोगों ने जाना है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान, जैसे कि वहाँ की सरकार भी कहती है कि उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट जो भक्त है शिव भक्त वो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता, लेकिन ऐसे लोगों को जो जिनको हानि हो जाए शारीरिक रूप से, कोई दुर्घटना ना हो, तो वो होनी चाहिए, लेकिन ये शुल्क नहीं दे पाता हर शिव भक्त।